बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भी अपनी परंपरागत लोकसभा सीट गुना शिवपुरी लोकसभा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वे पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के केपी यादव से हार गए थे। वहीं इस चुनाव में बंपर जीत सुनिश्चित करने में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके बेटे महा आर्यमन सिंधिया भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उनके बेटे ने कहा कि आपने रामायण पढ़ी होगी कि कैसे लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी संजीवनी पहाड़ उठा लाए थे। वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी हनुमान की तरह संजीवनी लाकर देश को होश में लाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब अर्जुन को मछली की आंख का निशाना लगाने को कहा गया था तो अर्जुन को केवल निशाना दिखा था, बाकी योद्धाओं को मछली दिखी थी। वैसे ही मेरे पिताजी को सिर्फ निशाना दिखता है और वो निशाना केवल विकास और प्रगति का है। मेरे पिताजी केवल प्रगति के निशाने पर ही तीर मारते हैं। हालांकि पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सिंधिया यहां से लड़े थे पर बीजेपी के केपी यादव से हार गए थे। वहीं इस हार के बाद सिंधिया बेहद निराश हो गए थे और आखिरकार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। इस बार पार्टी ने सांसद केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया पर भरोसा जताया है। पिछली हार से सबक लेकर सिंधिया इस बार जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और तो और उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि महा आर्यमन सिंधिया को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह भी है। क्षेत्र के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज और महा आर्यमन सिंधिया को युवराज कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि जनता के बीच जाकर महा आर्यमन ने सभी को अपना परिवार और खुद को उनका बेटा बताया है। वे कहते हैं कि वे कोई युवराज नहीं है बल्कि क्षेत्र की जनता के परिवार का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।